हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम अपने घर आ गए हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुबह का टाइम, मतलब कि हम लोग 5 बजे निजामुद्दीन पहुंचे थे, नहीं 4:30 बजे लगभग 5 बजे तक अपने घर आ गए। मैंने रानी को, मतलब मेरे पति थे, उबर बुक करके उनको वहाँ पर अपने घर के लिए निकल गई थी। मैं अपने घर के लिए निकल आई तो 5 बजे जब आई तो नीचे का गेट बंद था। फिर मैंने नीचे वाले भैया को मैं फ़ोन किया तो उन्होंने गेट खुला, फिर आए। फिर इतना तेज़ नींद लग रही थी, अब जानते हैं पार्टी शार्टी में 4 लोग के बीच में इतनी बातें साथी होती है कि नींद ही पूरा नहीं हो पा रहा है। पार्टी भी जगराता दिन, पूरी रात भर नहीं सोए थे। फिर दूसरे दिन पार्टी, 2 बजे तक पार्टी से हम लोग आए तो नींद इतनी कस के लग रही थी। ये सुनो, जल दूसरा लच्छू आ गया है। मैं नहाई नहीं तो पति देव जल चढ़ाने जा रहे थे तो हाँ, तो फिर उसके बाद मैंने बोला जल दूसरा ले लो। तो जब घर पर आए तो सो गए थे, अभी सोकर उठे हैं। पति देव नहा धो लिए हैं, वो जा रहे हैं, बोले बाबा को जल चढ़ा रहे हैं। तो आए, घर इतना फैला फैला लग रहा है, कहीं बाहर जाओ तो घर फैला फैला दिखता ही है। तो यहाँ पति देव हमारी पूजा कर ली, वही नहा ली। तो हमने बोला आप पूजा कर लो मंदिर में, अभी मुझे साफ़ सफाई करने में टाइम लगेगा। देख सकते हैं अब वो जा रहे हैं जल चढ़ाने, यहाँ जल ले लिए। अभी सारा सामान देख सकते हैं फैला हुआ है सब कुछ इधर भी, और इधर कपड़ा देख सकते हैं जो ले गए सारे कपड़े, एक दिन भी नहीं धुले तो मशीन लगाने जा रहे। पहले कपड़े ही लगाते हैं और फिर उसके बाद धीरे धीरे काम करते हैं। बच्चे भी आ गए हैं, सो रहे हैं बच्चे भी। तो अभी ये बोले चाय बना दो फटाफट, हम कह के चलिए बनाते हैं चाय साय, क्योंकि किचन के बर्तन वर्तन वाश करेंगे, क्योंकि 4-5 दिन नहीं थे तो कीड़े मकोड़े तो कहीं ना कहीं काकर वगैरह आ ही जाता है। तो इसको जल्दी फटाफट काम करते हैं किचन से, पहले कपड़े मशीन में लगा दे, धुलता रहेगा और अपना धीरे धीरे जो काम है करते रहेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे लोग के बीच में मिले, बातें साथी हुई। आने का तो जानते, किसी को छोड़कर जाने का मन नहीं करता है, लेकिन इंसान किसी के घर इतना दिन रह भी नहीं सकता है, और ऊपर से सबको काम ही रहता है, अपने अपने घर जाना वही रहता है। इतना बड़ा पार्टी फंक्शन, वो कहीं कुछ भी किसी के घर पड़े, कोई जाता है किसी से दिल लगाव हो जाता है और दोस्ती हो जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारा प्यार मिला लोगों का, आप लोग का भी, वीडियो देखे इंजॉय किए और बात अच्छी थी कि ऐसे हम लोग मिलते रहें। भगवान के लिए ऊपर से हम लोग को ऐसे आशीर्वाद बनाए रहें कि हम एक दूसरे से मिलते रहें। अब मैं अभी तक नींद में हूँ, मेरा नींद ही नहीं पूरा हुआ है। अभी बहुत सारे ऐसे क्लिप हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर वहाँ ऐड करूँगी, जो मैंने डाला ही नहीं है। तो आप लोग देखिएगा, कल जब सब लोग का विदाई हो रहा था, क्या क्या बाप रे गजब का लग रहा था। तो मैंने सोचा चलिए मैं इस वीडियो में क्लिप ऐड कर दूँगी। तो अभी हम चलते हैं, अपने घर का काम कर लेते हैं, फिर हम आप लोग से मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तब तक वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग खूब इंजॉय करिएगा। काफ़ी दोनों बहनों के लेकर कमेंट आ रहा था कि किट्टो बहुत मतलबी है, बस मौका देखी पार्टी ख़त्म हुआ तुमको छोड़ कर चली गई। ऐसा कुछ नहीं है, बस उन्होंने पहली बार दूर का सफ़र गाड़ी से करेंगी, क्योंकि बोल सब बोलते जब गाड़ी हो गया तो अपने गाड़ी से आना जाना, तो ये बोले कि भी हमने दूर का सफ़र नहीं किया है, इसलिए उन्होंने पहले ही आरती जी के साथ बोली कि चलो एक बार ट्राई करते हैं कि हम दूर का सफ़र कर पाते हैं कि नहीं। तो जिसे हम लोग जब भी किए हैं 1-1.5 घंटे किए हैं, तो यहाँ से फिर वो गाड़ी से चली जाती हैं आरती जी के साथ। बस उन्होंने गाड़ी का सफ़र करेंगी, कहीं आना जाना होगा इसलिए आरती जी के साथ
हो गई कि देखते हैं कि हम अपने कार से दूर का सफ़र कर पाते हैं कि नहीं। वो हमसे बोली कि तुम भी चलो, लेकिन गाड़ी में जगह ही नहीं था, काफ़ी सामान था। हम कहे भैया मेरे को गाड़ी से इतना दूर का सफ़र हम नहीं कर पाते क्योंकि हमको उल्टी भी होती है। तो बस यही रीज़न था कि दूर का सफ़र करने के लिए उन्होंने पहली बार इतना दूर का सफ़र कार से किया, नहीं तो हमेशा ट्रेन से आना जाना लगा रहता है। तो बस यही रीज़न था, और ऐसा कुछ नहीं था कि हमें छोड़ के गए कि हमें बुरा लगा, हमें बुरा बिल्कुल नहीं लगा, हमें तो ये अच्छा लगा, चलिए अपनी गाड़ी से कहीं आ जाएगी, बस यही बात है। आप लोग ऐसा मत सोचा कि ये गाड़ी ऐसा छोड़ दो, नहीं जान रहे और किसी को दिल्ली जाना चलो डोरी कल गिर गए थे यहाँ पर।